गई इंटर रिजल्ट की बारी। बहुत बड़ी अपडेट इस बात की, फटाफट वीडियो को शेयर कर दें। इंटर रिजल्ट 2023 के लिए बिहार बोर्ड ने अचानक से लिया है बड़ा फैसला। छात्रों को खुशी का ठिकाना नहीं है कि जो छात्रों ने सोचा था बिल्कुल वैसा रिजल्ट बिहार बोर्ड यहां पे जारी करने जा रही है। क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार मार्च में रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है और बिहार बोर्ड हर बार जो है यहाँ पे इतिहास रचता हुआ। 3 बजे इंटर का रिजल्ट जारी होगा और 2:30 बजे आएगा मैट्रिक का रिजल्ट। यानी टाइमिंग जो है यहाँ पे मैट्रिक का पहले है लेकिन दिन जो है इंटर का पहले होगा, यानी इंटर का रिजल्ट पहले आएगा। बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बात की सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिल रही है अभी सीक्रेट ट्रेल चैनल पे। फटाफट सभी को शेयर कर दे। अगर आपने 2023 में बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा दी है तो बिल्कुल तैयार हो जाए रिजल्ट के लिए। आगे है रिजल्ट की बारी। अनंत किशोर ने यहाँ पे फैसला कर दिया है रिजल्ट का। इस बार बिहार बोर्ड ने सभी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि किस बार परसेंटेज जो है पासिंग परसेंटेज पिछले बार से बहुत ज्यादा, जो पिछले बार जो है 80% तक आके जो है पासिंग परसेंटेज रुक गया था, इस बार यही पासिंग परसेंटेज जो है वो 90% तक पहुंच रहा है। यानी 90% तक छात्र जो है वो इस बार पास हो रहे हैं। और वही फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो फर्स्ट डिवीजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। इस बार जो है 80% के छात्र जो है ऐसे हैं जो यहाँ पे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो रहे हैं और उन सभी प्रथम श्रेणी को उत्तीर्ण को बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। जैसा कि मैं लगातार बताया आ रहा हूँ कि सभी प्रथम श्रेणी को 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी और इस बार भी दी जाएगी। तो आप लोग रोल को रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फटाफट तरीके से कॉमेंट कर दीजिए कि जैसे जैसे रिजल्ट यहाँ पे आएगा सभी का व्हाट्सएप पर चेक करके आपको रिजल्ट जो है वो सेंड किया जाएगा। रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट जो है वो जो टॉपर को बुलाया जा रहा है उनका टॉपर वेरिफिकेशन कितने दिन चलेगा, उसके बाद जो है 3 से 4 दिन जो है टॉपर वेरिफिकेशन के बिहार बोर्ड जो है करेगी। उससे ज़्यादा समय यहाँ पे बिहार बोर्ड अब नहीं लेने के मूड में है। यानी 3 से 4 दिन जो है टॉपर वेरिफिकेशन करवाएगी और उसके बाद जो है आपका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा रिजल्ट का। लेकिन उससे पहले आप जान ले बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी खुशखबरी कि इस बार किसी का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है जो लगातार मैं आप लोग को बताता आ रहा था कि जो कॉपियां पेंडिंग हो गई है वो सारी कॉपियां जो है जिस भी जिले की भी पेंडिंग थी सारी कॉपियां जो है निकल गई है। किसी भी तरह का कोई रिजल्ट आपका पेंडिंग नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि आपका रिजल्ट कब जारी होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब दिल थाम लीजिए, रिजल्ट की बारी आ गई है। जो भी टॉपर को कॉल हुआ है, जिनका कॉल नहीं हुआ है वो बिल्कुल नहीं घबराएं, हो सकता है आपको कल कॉल आ जा सकता है क्योंकि 3 से 4 दिन चलता है एक ही करके टॉपर वेरिफिकेशन और यहाँ पे समय नहीं है। बिहार बोर्ड जो है रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जारी करने जा रही है। सबसे पहले देख लीजिए कि आपको रिजल्ट जो है अपने मोबाइल से कैसे चेक करना है फटाफट तरीके से। इंटर मैट्रिक रिजल्ट 2023 अपने मोबाइल में चेक करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने सेकेंड नंबर पर जो ब्लू कलर का ऐप आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल करने से पहले आपको 5 स्टार और यहाँ पे बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 लिख करके पोस्ट कर देना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करेंगे तो 10th रिजल्ट और 12th रिजल्ट लिखा हुआ आएगा। 12th वाले 12th पे क्लिक करेंगे, 10th वाले 10th पे क्लिक करेंगे। 12th रिजल्ट 2023 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर लिखा हुआ आएगा चेक रिजल्ट नाउ। चेक रिजल्ट नाउ पे आप क्लिक करके आप अपना रिजल्ट जो है वो आसानी से अपने मोबाइल में देख सकते हैं। बिहार बोर्ड इंटर या मैट्रिक का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको www.biharhelp.in पे आना है। जैसे ही आएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको नीचे की ओर जाना है जहाँ पे आपको 10th और 12th जो है दोनों का लिंक यहाँ पे दिया गया है कि किस लिंक पे क्लिक करके आप कैसे आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। 10th का लिखे यहाँ पे बताया गया है और उसके नीचे जाएंगे तो आपको 12th का मिलेगा और 12th का ही बताया गया है कि आपको रिजल्ट जो है वो कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे आपको रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद टोटल डालना है, कैप्चा कोड डालकर अपना रिजल्ट जो है वो आपको क्लिक करना है, जिसका लिंक एक्टिव यहाँ पे लगा दिया गया है और आपको रिजल्ट का डेट आते ही आराम से आप यहाँ पे रिजल्ट चेक कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रिजल्ट जो है साफ साफ बोला गया है कि 15 मार्च से पहले दिया गया है, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है। कुछ ही देर में आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा क्योंकि 15 मार्च से पहले बोला गया है तो हो सकता है 14 मार्च को भी जारी हो सकता है या 15 मार्च को भी जारी हो सकता है। टॉपर वेरिफिकेशन जो है वो आपका शुरू हो गया है। जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।